बजे का समय था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था ये इस चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता एमसीडी में राज करेगी और जो आरडब्ल्यूएस है उनको किस प्रकार से एम्पावर किया जाएगा, मिनी पार्षद, छोटे छोटे पार्षद आरडब्ल्यूए में भी बनाए जाएंगे और आरडब्ल्यूए को किस प्रकार से पैसा इत्यादि भेजा जाएगा, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 12 घंटे में हमने तमाम रिसर्च करते हुए सारे रिसर्च पेपर्स को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। सुबह से इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और अब पूरे तथ्यों के साथ कुछ विषयों का आज हम खुलासा करने वाले हैं। बंधुगण, पहला विषय है कि आप याद करिए, जब 2013 में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी समर में उतर रही थी तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने एक वादा किया था और वादा था कि दिल्ली नगर स्वराज बिल लेकर आएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा था कि विधानसभा के चुनाव में हम जीतेंगे तो हम दिल्ली नगर स्वराज बिल लेकर आएंगे और मोहल्ला सभा, पूरे दिल्ली में हम मोहल्ला सभा स्थापित करेंगे और ये जो मोहल्ला सभाएं होंगी उनका एक बहुत ही अहम रोल होगा। किस प्रकार से बजट का एलोकेशन होगा, पैसा इन मोहल्ला सभाओं को दिया जाएगा और इनके माध्यम से हर विधानसभा में जो भी डेवलपमेंट और विकास के काम होंगे वो इन्हीं के माध्यम से होगा। तो दिल्ली स्वराज बिल, दिल्ली नगर स्वराज बिल, इसके विषय में कहा गया था। मगर आज मुझे बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही और आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई बिल जिससे कि मोहल्ला सभा उसको शक्ति मिले, जो वादा केजरीवाल जी ने किया था वो आया नहीं। दिल्ली नगर स्वराज बिल ये आज तक नदारद है। वादा तब किया था जैसे अभी आरडब्ल्यूए के लिए वादा कर रहे हैं, आरडब्ल्यूए वालों को भी लग रहा होगा बड़ा कमाल होने वाला है, अब केजरीवाल जी कह रहे हैं तो हमें मिनी पार्षद बना देंगे, न जाने हमारे लिए क्या क्या होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार विधानसभा के लिए भी कह रहे थे मगर अभी तक वो बिल नहीं आया है, इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद, नंबर एक। नंबर दो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया हाउस ने, मैं अंत में मीडिया हाउस का नाम भी लूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया हाउस ने एक रिसर्च पेपर इस पे प्रोड्यूस किया है अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से कि वास्तविक रूप में ये मोहल्ला सभाएं जो बननी थी इनका क्या हुआ, क्या उनके माध्यम से कुछ पैसा आवंटित हुआ। और जो मैं अभी खुलासा करने वाला हूं वो आपको चौंका देगा। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि ये जो मोहल्ला सभाएं होंगी ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी होने वाला है और इस पर एक किताब भी इन्होंने लिखा था और पैसा का आवंटन मोहल्ला सभाओं के माध्यम से एमएलए करेंगे, यह वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में लगभग 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी किया गया, ऐसे पूरे दिल्ली में 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के लिए गए जिनमें मोहल्ला सभा बना करके उनमें पैसा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था और पैसा भी भेजा था। 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 लाख रुपए दिल्ली की सरकार ने भेजा था प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 55 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 20 करोड़ रुपए इस पूरे काम के लिए ईयरमार्क किए गए थे कि 20 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे इन 12 असेंबली को, 55 लाख हर असेंबली को, और इनके माध्यम से डेवलपमेंट का काम होगा। दो वर्षों के बाद जब इन सभाओं में जाकर, मोहल्ला सभाओं में जाकर जो इनकी कन्वीनर थे, हर मोहल्ला सभा के दो दो कन्वीनर थे, जब उनसे पूछा गया कि वो 55 लाख रुपए कहां है, कि 20 करोड़ रुपए कहां है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला है। आप मोहल्ला सभा फंड्स गो मिसिंग,
ये तमाम अखबारों ने छापा, एक बड़े मीडिया हाउस ने रिसर्च करके छापा कि आपके मोहल्ला सभा का जो फंड्स है वो मिसिंग हो गया है, पैसा तो चला गया है एक्सचेकर से मगर गया कहां ये पता नहीं चल रहा है। मोर देन टू इयर्स आफ्टर द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ द लोकल गवर्नेंस बॉडीज इन अ डर्जन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज द मनी एलोकेटेड रिमेन्स अनअकाउंटेड फॉर एंड सो डज द वर्क प्रॉमिस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि हम इस पैसे से रोड बनाएंगे, हम इस पैसे से आपके लिए पार्क बनाएंगे, आपके लिए लाइब्रेरी बनाएंगे, वो सारे जगह आगे इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हैं लिखा गया है कि वो सारे जगह खाली पड़े हुए हैं। जो मोहल्ला सभा के लिए ईयरमार्क किया गया था कि इस जगह पे मोहल्ला सभा के माध्यम से करोड़ों खर्च करके एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वो स्थान खाली पाए गए हैं। उनमें कुछ भी नहीं बना है, ना लाइब्रेरी बनी है, ना वहां सड़क बना है। अ प्रायोरिटी वाइज लिस्ट वॉज मेड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल गेट्स वॉज स्टार्टेड बट ऑल दिस वर्क हैज बीन हॉल्टेड एंड नथिंग हैज कम टू कंक्लूजन। वी डोंट नो वेयर द मनी इज, वी आर श्योर दैट ₹55 lakh वॉज रिलीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉलोनी एंड ओनली गेट्स वर इंस्टॉल्ड। I repeatedly requested local MLA and Deputy CM Manish Sisodia about the promises, but all in vain, said Mr. Dixit. ये दीक्षित कौन है? ये अनिल कुमार दीक्षित हैं, जो former coordinator हैं मोहल्ला सभा प्रताप नगर, जो कि सिसोदिया जी का ही constituency। इसमें से कुछ भी भारतीय जनता पार्टी बना के नहीं लाई है, ये पब्लिक डोमेन में है। दो वर्षों के सघन प्रयास के बाद ये अखबारों में और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके स्टोरी में ये छापा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा आगे क्या कहता है ये इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो फाउंड दैट द प्लॉट्स टू बी यूज्ड फॉर लाइब्रेरी पार्क्स एंड कम्युनिटी सेंटर आर लाइंग वेकेंट। ऑल्सो नो न्यू सीवर्स वे कंस्ट्रक्टेड इन द ड्रेन्स वे नॉट कवर्ड आइदर डिस्पाइट द फैक्ट दैट मनी वॉज रिलीज वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी। पैसा गया तो गया कहां? आप कल कह रहे थे कि आरडब्ल्यूओ को आप जो हैं आप उनको सशक्तिकरण प्रदान करेंगे, आप मिनी पार्षद बनाएंगे, उनको पैसा देंगे, मगर ऐसा ये पैसा आपके जेब में जा रहा है जैसे मोहल्ला सभा का गया था। बंधुगण, इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। अरविंद केजरीवाल जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रिलीज किया था और आप 12 नंबर पेज में जाके देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किस प्रकार से लिखा है। गृह निर्माण नियमों को सरल बनाएंगे, संपत्ति कर में और छूट देंगे एवं आरडब्ल्यूए के साथ संयुक्त कार्य करेंगे। पार्कों एवं जन सुविधा परिसरों सहित अनेक नागरिक सुविधाओं में सरल नियम के साथ आरडब्ल्यूए भागीदारी के लिए कार्य करेंगे एवं इसके लिए आर्थिक सहयोग भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मौजूद है, जिसको कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल, जिसको अंग्रेजी में असर्ट करना कहते हैं, हथियाना कहते हैं, ये हथियाने की कोशिश की है, मगर विगत में जो इनके कारनामे थे वो सिद्ध करता है कि इस प्रकार का एम्पावरमेंट का काम अरविंद केजरीवाल जी कतई नहीं कर सकते। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आपने कहा था ये मोहल्ला जनसभा बना करके जो मोहल्ला जनसभा में बताया जाएगा आप उसका लागू करेंगे, आप उस पर कानून बना करके दिल्ली की सरकार उसको लागू करेगी, यही कहा था ना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी मोहल्ला सभाएं थी पूरे दिल्ली में जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी लाने को कहा था? हम भी जनता है, हम भी जानना चाहेंगे भैया कि कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी पूरे दिल्ली में जिन्होंने कहा था भैया अरविंद जी गला सूख रहा है, घर घर आपको खोल देना है, बहुत कमी हो गई है पानी की, चलिए आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, शराब तो दे दीजिए, एक के साथ एक मुफ्त दे दीजिए। कौन सी ऐसी जनसभाएं थी, मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी को स्वीकृति दी, ये जानना चाहते हैं। अरविंद जी कौन सी ऐसी आपकी जनसभा क्या ये मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने ये स्वीकृति दी कि ये जो शराब के ठेकेदार है उनके कमीशन को 2% से बढ़ा करके 12% कर दिया जाएगा,
ये स्वीकृति कौन सी मोहल्ला सभाओं ने दी थी, ये भी बीजेपी जानना चाहती है। बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा मोहल्ला सभा था जिसने कहा कि लाइसेंस फीस जो है उसको बढ़ा देना है ताकि एक मोनोपोली हो जाए शराब के पूरे ट्रेड के ऊपर और केवल बड़े प्लेयर वही घुसे और कार्टिलाइजेशन एक ग्रुप बन जाए जिसमें भ्रष्टाचार हो। बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी आप ठेका दे सकते हैं। ये सारा और कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी अरविंद जी जिसने कहा कि रेपिस्ट को फिजियोथेरापिस्ट बता करके भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जी का मसाज करवाना है। ये कौन सी मोहल्ला सभाओं ने बताया है जिसको आपने लोकतांत्रिक तरीके से चलाया है। आज आरडब्ल्यूओ को गुमराह करने का आप प्रयास कर रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा है उसका उत्तर दीजिए। वैसे जहां तक शराब घोटाले का सवाल है, आज तो मैं टीवी में देख रहा था जिनका स्टिंग पहले रिलीज हुआ था वो अमित अरोड़ा भी अब गिरफ्तार हो गए। छठे नंबर का व्यक्ति अमित अरोड़ा भी गिरफ्तार हो गया है। अब धीरे धीरे सारे जो तार है वो खुलने लगेंगे और इसमें कोई दो मत नहीं कि जो किंग पिंग है वह भी यथाशीघ्र जेल के पीछे जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा बीजेपी दिल्ली को कि अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला सभा के बारे में क्या बोल रहे थे 2013 में, ये दिलचस्प वीडियो है। जरा आप इस दिलचस्प वीडियो को देखिए। एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको मार्ग शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि यह शराब का ठेका बंद किया जाए तो वह